शून्य से शिखर यह पुस्तक भारतीय उद्योगपतियों अर्थात इंडियन कॉर्पोरेट्स के बारे में है। इसके रचयिता प्रकाश बियानी हैं। प्रकाश किए नौकर नहीं मालिक बने। देश की आज़ादी के साथ जन्मे राजकमल प्रकाशन ने हिंदी साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। हिंदी साहित्य के लगभग सभी मूर्धन्य हस्ताक्षरों की कृतियों को प्रकाशित करने का गौरव संजोया है। राजकमल प्रकाशन ने राजकमल ही पहली बार उद्योग जगत पर यह पुस्तक में प्रकाशित कर रहा है। देश के उद्योगपतियों पर केंद्रित इस पुस्तक को प्रकाशित करने के पीछे खास प्रयोजन है। आप सहमत होंगे कि देश की अर्थव्यवस्था पर हिंदी में जो लेखन हुआ है उसे उंगलियों पर गिनना जा सकता है। भारतीय कॉर्पोरेट्स अर्थात उद्योगपतियों पर तो सिलसिलेवर लेखन हुआ ही नहीं है। हमें विश्वास है कि यह पुस्तक इस कमी को पूरा करेगी और हिंदी में यह एक नए सिलसिले की शुरुआत होगी। इस पुस्तक के प्रकाशन का एक और प्रयोजन है, औद्योगिक या वाणिज्यिक सफलता आसानी से प्राप्त नहीं होती। जो लोग इस क्षेत्र में यश अर्जित करते हैं वे भी लंबे समय तक पिरामिड पर नहीं रह पाते। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौरे में शिखर पर बने रहने के लिए जरूरी है सामूहिक सूझबूझ और सही समय पर जोखिम उठाने की हिम्मत। इस पुस्तक के नायक ऐसे ही शख्स हैं जो शून्य से शिखर पर पहुंचे हैं और यहां बने रहने के लिए हर रोज संघर्ष करते हैं। ये सब उस उद्यमशीलता के पर्याय भी बन चुके हैं जिसके लुप्त होने से सोने की चिड़िया जैसे अलंकारों से विभूषित हमारा देश आज एक निर्धन राष्ट्र बन गया है। हम सब में वह संभावनता व सामर्थ्य है कि हम अपने देश को पुनः विकसित राष्ट्र बना दें, खोई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करें। हमारे राष्ट्रपति महामहिम APJ अब्दुल कलाम ने तो स्वप्न संजोया है कि सन 2020 में भारत एक संपन्न व विकसित राष्ट्र हो। संयोग से इसकी शुरुआत भी हो गई है। यह उपयुक्त अवसर है कि हम सब उनकी संघर्ष कथा को जानें। इस नज़रिए से ही एक वाणिज्यिक संस्थान के साथ सामाजिक प्रहरी होने के नाते राजकमल प्रकाशन ने यह पुस्तक प्रकाशित की। हमें संतोष है कि पाठकों खासकर बिजनेस स्कूल के युवा छात्रों ने इसे खूब पसंद किया। पुस्तक के 3 हार्ड ब्राउन व 2 पेपर बैंक संस्करण इसके प्रमाण हैं। पाठकों ने माना है कि यह पुस्तक एक संदेश देती है, नौकर नहीं मालिक बने और समाज में दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें। उद्यमशीलता को जागृत करना इस पुस्तक का ध्येय है। यह शुरुआत है, समापन नहीं। के साथ राजकमल प्रकाशन की ओर से वादा करता हूँ कि यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। साहित्यिक कृतियों के साथ हम ऐसी पुस्तकों का भी प्रकाशन करते रहेंगे जिनका हिंदी में अभाव हो। हमारी दृढ़ मान्यता है कि देश के हिंदी क्षेत्र की दुर्दशा का एक कारण है हर विषय में वैचारिक पुस्तकों का अभाव। इन क्षेत्रों में राजनीतिक गिरावट, सामाजिक कुरीतियों व आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना है तो देश की जनभाषा व राष्ट्रभाषा में हर क्षेत्र की पुस्तकें उपलब्ध हों। इसका आशय यह नहीं है कि हम अंग्रेजी विरोधी हैं। इस पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण भी है जो शीघ्र प्रकाशित किया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया हमारा मनोबल बढ़ाएगी। संपादकीय भारतीय उद्योगपतियों पर यह पुस्तक क्यों? एक सवाल, हम अपने उद्योगपतियों के बारे में कितना जानते हैं? दूसरा सवाल, देश के राजनेता, अभिनेता या क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में जितनी चर्चा होती है उतनी उनके बारे में क्यों नहीं होती है जो देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देते हैं, भारत को विश्व में स्थापित करते हैं? एक और सवाल, क्या हमें इनके बारे में जानना नहीं चाहिए? विगत 2 दशक में मैं प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य कर रहा हूँ। इन सालों में इन और ऐसे सवाल ने मुझे बार बार हैरान किया है। मेरा अनुभव है कि हमारे सूचना संसार पर राजनेताओं और राजनीति ने कब्जा कर रखा है। दोषी वे नहीं हैं, हम हैं। हम पत्रकारों को केवल राजनीतिक खबर दिखाई देती हैं। NR नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी, डॉक्टर परविंदर सिंह, K
के अजय रेड्डी, डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी, राजेश हुकू, अनिल अग्रवाल, सुनील भारती मित्तल, ओंकार एस कवर, वेणु श्रीनिवासन जैसे उद्योगपति अपने लिए संपन्नता के साथ जनसाधारण का जीवन स्तर सुधारते हैं, उनका सोच बदलते हैं, पर मीडिया जगत उनके करिश्मों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, जबकि किसी राजनेता की यात्रा या उसका नज़ला जुकाम भी प्रथम पृष्ठ पर स्थान पाता है। स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में भी भारतीय उद्योगपतियों को नहीं पढ़ाया जाता है। GRD टाटा, GD बिरला, धीरू भाई अम्बानी, राहुल बजाज, केशव महिंद्रा या इन जैसी हस्तियाँ क्या युवा छात्रों की प्रेरणा नहीं होनी चाहिए? ऐसे कई क्या क्यों का विनम्र जवाब है यह पुस्तक। इस पुस्तक के लेखन, संपादन, प्रकाशन की प्रक्रिया में हमारी टीम ने बार बार महसूस किया है कि भारतीय उद्योगपतियों की सफलता की कहानियाँ में राजनीति, सिनेमा या क्रिकेट से ज़्यादा रोमांच है। ये जाने अनजाने उद्यमशीलता का पाठन पढ़ाते हैं। ये यह हौसला देते हैं कि हम सब जैसे ही हैं, धीरू भाई अम्बानी, ब्रजमोहन लाल मुंजाल, रमेश चंद्र अग्रवाल, अश्विन दानी, करसन भाई पटेल या अशोक पाटनी, ये सब इस सवाल का जवाब है कि यदि वे 10-20 सालों में शून्य के शिखर पर पहुंच सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इस पुस्तक का आशय यह भी है कि देश की युवा पीढ़ी में उद्यमशीलता जागृत की जाए। इस पुस्तक के लेखन संपादन में हमें एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा है। भारतीय उद्योगपतियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना एक चुनौती साबित हुआ है। बिखरी हुई जो जानकारियाँ साक्षात्कार मिले तो वो भी अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं से, हिंदी में इस जानकारी के अभाव ने इस पुस्तक को लेखन का हमारा हौसला बढ़ाया। हमने एक और सावधानी बरती, जिसके बारे में जो लिखना है वह उन्हें प्रकाशन पूर्व जांचने के लिए भेजा। हमें खुशी है कि कई उद्योगपतियों ने हमारे प्रयास को गंभीरता से लिया, भूले सुधारी, कई नई जानकारियाँ दी। हमने भी प्रयास किया कि जो छपे हैं वह अपडेट हो, पर एक तथ्य स्पष्ट करना ज़रूरी है। बिजनेस वर्ल्ड रुकता या थमता नहीं है, यहाँ रोज़ अधिग्रहण होते हैं, कारोबारी गतिविधियों का विस्तार होता है, वित्तीय परिणाम बदल जाते हैं, शेयर मार्केट रोज़ रंग बदलता है। संभव है पाठ समीक्षक जब यह पुस्तक पढ़े तब किसी उद्योग में कुछ फेरबदल हो गए हो। आप पाएंगे कि इस बदलाव के बावजूद समूह विशेष की रणनीति व स्वभाव नहीं बदलता है। यही वह मूल भाव है जिसे पढ़ा व समझा जाना चाहिए, शेष तो घटनाक्रम है। एक बात उद्योगपतियों या उद्योग समूह के चयन को लेकर, इस तरह का संकलन जब भी बनता है तो कुछ नाम छूट ही जाते हैं, तो कुछ नाम पर सवाल किया जाता है कि वे इस सूची में क्यों हैं। हम यह भी समझते हैं कि समीक्षा के दौरान ऐसी बातें उठी होंगी, ना केवल सूची पर बल्कि सूची के क्रम पर भी। यह स्वाभाविक भी है। अब जैसे इस सूची में अमिताभ बच्चन की मौजूदगी सवालों के दायरे में आ सकती है, ऐसे ही टाटा बिरला के बारे में कहा जा सकता है कि वे शून्य से शिखर शीर्षक में कैसे रखे जा सकते हैं। एकता कपूर की उपस्थिति पर भी एतराज हो सकता है। अंबानी समूह की किताब शुरू हो, संभव है यह बात कई लोगों के गले ना उतरे। हमने इन सभी और इन जैसी कई आपत्तियों, आशंकाओं का पूर्वानुमान लगाया और कोशिश की है कि इन सबका जवाब पाठक को पृष्ठ दर पृष्ठ मिलता जाए। लेकिन जैसा कि स्वाभाविक है, कई और बातें हो सकती है जो किन्हीं और कारणों से पाठकों को खटके। हम उन सभी बातों के लिए खुले हैं। खास तौर पर अपने समीक्षकों से हम यह उम्मीद करते हैं कि वे हमें नई दिशाएं दिखाएं। ऐसे ही सुझाव के आधार पर इसके आगामी संस्करण स्वीकृत, समग्र और तार्किक हो। जीवित व्यक्ति की कहानी लिखना और वह भी किसी बिजनेसमैन की, जोखिम से भरा काम है। हमने प्रयास किया है, पूरी सावधानी बरती है कि कल्पना का सहारा न ले और तथ्यों को जस का तस प्रस्तुत कर दे। पुस्तक में जगह जगह पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का आप जिक्र पाएंगे। उनमें प्रकाशित रिपोर्ट, साक्षात्कार का उपयोग किया गया है
तो उनका जिक्र किया गया है। निसंदेह ये तत्कालीन संदर्भ भी है जो आज बदले भी होंगे, पर व्यक्ति या समूह के स्वभाव का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः शाश्वत है। एक सवाल का स्पष्टीकरण और ज़रूरी है। उद्योग जगत पर प्रायः आरोप लगते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, नियमों के उल्लंघन की चर्चा होती है। कुछ समय के बाद ये दाग धब्बे खुद साफ हो जाते हैं तो कुछ अपने निशान छोड़ जाते हैं। उदाहरणार्थ नियंत्रण के दौरे में धीरूभाई अंबानी को जिन नियमों के उल्लंघन के लिए कोसा गया था, वे आज कानून सम्मत हो गए हैं और धीरूभाई अंबानी देश के युवाओं के हीरो हैं। हम स्पष्ट कर दें कि यह सहज इतिहास लेखन है, खोजी पत्रकारिता नहीं। इस लेखन का आशय है उद्यमशीलता को पुनर्जीवित करना, किसी की आलोचना या प्रशंसा नहीं। यह स्पष्ट करना भी समीचीन होगा कि चूंकि सच के कई पहलू होते हैं और इन समूहों के बारे में जो सच आज उपलब्ध है वही इस पुस्तक में शामिल किया गया है। ऐसी कई बातें हो सकती है जो अभी उजागर नहीं हुई है, अतः इसे अब तक मौजूद जानकारी के आधार पर लिखी गई पुस्तक माननी चाहिए। इसी के साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि कई समूहों के बारे में कुछ ऐसी बातें चर्चा में आती है जो यह इशारा करती है कि फला समूह में सब कुछ ठीक नहीं है। हमने ऐसी चर्चा और आशंकाओं को भी इसमें इसलिए जगह नहीं दी है क्योंकि एक तो इनकी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हुई है और दूसरा यह कि हम उद्यम के महत्व को प्रेरणा रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसलिए शीर्षक भी शून्य से शिखर रखा गया है और उम्मीद भी की गई है कि पाठक इसे एक ऐसी कहानी के तौर पर पढ़े जो उन्हें शिखर तक ले जाने की प्रेरणा दे। सोचिए, अब आप अमिताभ बच्चन की कहानी पढ़ेंगे तो और क्या प्रेरणा मिलेगी? एकता कपूर की कहानी कौन सी दिशा दिखाएगी? नारायण मूर्ति का सफ़र कौन सी रोशनी दिखाएगा? साफ है, इन समूहों का सफ़र यह प्रेरणा देता है कि मेहनत और लगन से किसी एक दिशा में किए गए प्रयास सफलता की बुनियाद बनते हैं। इसी आधार पर और इसी भावना के साथ अपने पाठकों को समर्पित है यह पुस्तक। निधन है कि पुस्तक के लेखक प्रकाश बियानी और मेरे इस प्रयास को इस नज़रिए से अवश्य देखें कि भारतीय कॉरपोरेट वर्ल्ड पर हिंदी में सिलसिलेवर लेखन का यह पहला प्रयास है। और एक अंतिम आग्रह, पाठक या समीक्षक भले ही पुस्तक की प्रशंसा में कंजूसी बरते पर अपनी प्रतिक्रिया व आलोचना में उदार रहे। हम भूल सुधार के लिए खुले हैं, वे जितना बताएंगे उतना हमारा काम आसान होगा। हिंदी में कॉरपोरेट वर्ल्ड पर लेखन का जो सिलसिला हमने शुरू किया है वह उतना ही सुधरेगा सवरेगा। हमारी एक ही मंशा है कि देश के अधिकतम युवा इसे पढ़े और देश के राष्ट्रपति APJ कलाम का यह स्वप्न साकार करे। सन 2020 में हमें भारत को एक समृद्ध व विकसित राष्ट्र बनाना है। धन्यवाद। रविंद्र शाह। यह पुस्तक क्यों? अमीरी ऐसा मानवाधिकार है जो मांगने से नहीं मिलता। हमारी सबसे बड़ी विडम्बना है विरोधाभासी व्यवहार। हम जो सोचते हैं वह बोलते नहीं, डरते हैं कि सुनने वाले को बुरा लग जाएगा। हम जो कहते हैं वह करते नहीं, सोचने लगते हैं कि पहले किसी ने ऐसा नहीं किया। हम जोखिम क्यों उठाएं? नाम या नामा अर्थात प्रतिष्ठा व पैसा कमाते हैं पर बताते नहीं। सोचते हैं कि लोग बड़बोला कहने लगेंगे। यह सूची बहुत लंबी। इनमें से ही एक विरोधाभास यह भी है कि हम में से कोई भी निर्धनता में नहीं जीना चाहता, पर हम अमीरों को कोसने से भी बाज नहीं आते। हम संपन्नता चाहते हैं पर इसके लिए जोखिम नहीं उठाना चाहते। परिणाम आज़ादी के 55 साल बाद भी देश संपन्नता के लिए संघर्ष कर रहा है। देश की बहुसंख्यक आबादी मध्यम वर्गीय या निर्धन है। गौर करें कि यह वही देश है जो 300 साल पहले पूरी तरह आत्मनिर्भर था। 18वीं सदी में दुनिया की कुल आय में भारत का क्रम दूसरा था। इस आय में तब हमारी हिस्सेदारी 22-23% थी जो आज घटकर 5% से भी कम रह गई है। विडम्बना यह है कि इस दुर्दशा के लिए अपने गिरेबान यानी अंतर्मन में झांकने के बजाय हमने कई बहाने खोज लिए हैं। मसलन 200 सालों की फिरंगियों की दास्तां
50 सालों से जारी पाकिस्तान से दुश्मनी, चीन का अकारण आक्रमण, अमेरिका से विचार भिन्नता, आतंकवाद, सूखा अकाल, भूकंप, बढ़ती आबादी, निरक्षरता आदि। निसंदेह फिरंगियों ने देश के प्राकृतिक, मानवीय व आर्थिक संसाधनों को अपने निहित स्वार्थों के लिए खूब दोहन किया था। अंग्रेज जब देश छोड़कर गए तो विरासत में देश विभाजन की पीड़ा के साथ हमें सौंप गए थे हर चीज़ की कमी। आज़ाद भारत की पहली सरकार ने इस समस्या का निदान खोजा। समाजवादी अर्थव्यवस्था, राशनिंग प्रणाली व नियंत्रण, संसाधनों के मित व्यय उपयोग या दोहन की नीति के साथ सरकार तय करने लगी कि किस उद्योग क्षेत्र में सरकार का संपूर्ण एकाधिकार होगा, किस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की पूरी या आधी अधूरी हिस्सेदारी होगी, कौन उद्योग लगाएगा, कहां उद्योग लगाएगा, कच्चे माल की लागत क्या होगी, तैयार माल किस मूल्य पर बेचा जाएगा। इस रशियन मॉडल में दोष नहीं था, इसे यथावत लागू करने व इसका क्रियान्वयन पूरी तरह से अफसरशाही को सौंप देने के कारण परिणाम गड़बड़ाए। परमिट व लाइसेंस राज्य में राजनेता व अफसरशाही की संप्रभुता इतनी प्रबल व प्रखर हो गई कि देश में उद्योग स्थापना या संचलन टेढ़ी खीर हो गया। उद्योग स्थापना के लाइसेंस मिलने मात्र से भारी कमाई होने लगी। उद्योगपतियों का समय व ऊर्जा बारंबार दिल्ली की हवाई यात्राओं व मंत्रालयों के गलियारों में खर्च होने लगी। देश की सारी वाणिज्यिक गतिविधियां एक निर्धारित चक्रव्यूह यानी सर्किल में सिमट कर रह गई। गैर प्रतिस्पर्धी औद्योगिक माहौल व अराजक मार्केट में उपभोक्ताओं का खूब शोषण हुआ। उत्पादन पर नियंत्रण होने के कारण उन्हें रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी। ज़रूरत के समय वस्तु प्राप्त करने के लिए लोगों को फैक्ट्री मूल्य से दुगना एक कीमत चुकाना पड़ी है। यही नहीं, सरकारी खर्च बढ़ने से उसकी पूर्ति के लिए हर स्तर पर नियंत्रण व हर बजट में कर बढ़ते गए। परिणाम, देश में ब्लैक मनी का समांतर आर्थिक ढांचा खड़ा हो गया। आज़ादी के बाद 40 साल तक जारी रही इस भारी उपभोक्ता लूट से किसने कितना कमाया, इसका कभी वास्तविक आकलन नहीं हुआ। तो दोषियों को दंड देने का तो सवाल ही नहीं उठता। विरोधाभास से विडंबना यह है कि जनाक्रोश से बचने के लिए दोषी लोगों ने वाणिज्यिक समुदाय, खासकर उत्पादकों पर दोषारोपण किया। उन्हें मुनाफाखोर, कर चोर व समाज शोषक बनाकर पेश किया गया। इस लूट में वे कितने भागीदार थे या परिस्थितियों में उन्हें कितना बिगाड़ा था, ये सारे मुद्दे गौण हो गए। देश में एक कृत्रिम माहौल बना जो धन कमाता है व गरीबों का खून चूसता है, यानी धन कमाना बुराई है। यही नहीं, सोची समझी रणनीति के साथ इस सोच को जनसाधारण में, मनमानस में बिठाया गया। याद करें 50 से 70 के दशक की हिंदी फिल्में, जिनमें गरीबी को ग्लैमराइज्ड किया जाता था और मिल मालिकों को गरीबी का दुश्मन। सादा जीवन जिए, कम कमाए, कम खाए, मोटा पहने, पैदल ही चले जैसी बातें केवल किताबी आदर्श, विवशता या अपवाद हो सकती है। एक साधारण गृहस्थ की तो सबसे पहली व सबसे बड़ी चाह होती है संपूर्ण परिवार को आर्थिक सुरक्षा व संपन्नता। 60 व 70 के दशक के विरोधाभास की परिकाष्ठा पर तो नज़र डालें। जो लोग सारे देश को सादा जीवन, अच्छा जीवन का पाठ पढ़ाते हैं, उनके देशी विदेशी बैंक खाते धन संपदा से लबालब भर गए। उनके बच्चे विदेशों में पढ़े और आम बच्चों को मिला फटी टाट पट्टी वाले सरकारी स्कूल। एक वर्ग विशेष की छोटी छोटी बीमारियों का विदेशों में उपचार हुआ और जनसाधारण यहाँ जीवन रक्षक औषधियों को तरसा। ऐसे विरोधाभासों की सूची बहुत लंबी है। सच्चाई यह है कि 50 से 80 के 3 दशकों तक धन कमाना बुराई है वाले सोच ने भारतीय समाज के मूल स्वभाव उद्यमशीलता को अंग्रेजी की बाबू संस्कृति से ज़्यादा हतोत्साहित किया है।
काश ऐसा नहीं होता। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लाल बहादुर शास्त्री के साथ जे आर डी टाटा, जी डी बिरला, लक्ष्मण राव किलोस्कर या गोदरेज की संघर्ष कथा या यशोगाथा भी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की जाती तो नौकरी के लिए दौड़े लगाने वाले युवाओं की संख्या स्वमेव घट जाती। देश के दूर दराज के गांव गांव में उपलब्ध लुहार, जुलाहे, बुनकर, मोची, सुतार, दर्जी वाला उद्यमशीलता को छोटा व घटिया काम बताकर हमने चहुंमुखी संपन्नता के दरवाजे स्वयं बंद कर लिए। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी वाली पूर्वजों की सीख को भूलकर हमने बहुत कुछ खोया है। उसे प्राप्त करने का अब समय आ गया है। यह कोई काल्पनिक संभावना या सोच नहीं है। 90 के दशक के बाद बदले आर्थिक हालातों पर इस नज़रिए से नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि उदारीकरण व नियंत्रण मुक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा को जो तीव्र व तीखी प्रचंड आंधी आई, वह सबसे पहले जिस विरोधाभास को समेट ले गई वह है धन कमाना बुराई है। नए नए उद्योग, फर्स्ट जनरेशन उद्योगपति या व्यापारियों के साथ आज हर मार्केट के उत्पादों की भीड़ बढ़ी है। जो चीज़ या सेवाएं कभी हमें लंबी प्रतीक्षा के बाद मिलती थी, उनकी अब उपहारों के साथ होम डिलीवरी होती है। अब कोई ज़्यादा मूल्य अर्थात ब्लैक मार्केट की बात नहीं करता, वरन मूल्य कटौती के ऑफर देता है। दिलचस्प बात यह है कि 5 दशक के आर्थिक विरोधाभास से हम अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं, पर इसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। प्रारंभ में प्रतिस्पर्धा से भयभीत भारतीय उद्योग अब विदेश में पैर जमाने लगा है। वहां के मार्केट में वर्चस्व स्थापित करने के साथ अब तो वे वहां की कंपनियों पर कब्जा कर रहे हैं। वह ऑटोमोबाइल कंपोनेंट जैसे कई उद्योगों में भारत का परचम फहराने लगा है। भारत उद्योगपतियों को विदेशी पूंजी मार्केट अर्थात शेयर बाजार से आसानी से पैसा मिलने लगा है। विदेशी भारतवंशी स्वदेश लौटने लगे हैं। विगत 10 साल में विश्व मार्केट में हमारी वापसी को देखकर देश व दुनिया के आर्थिक विश्लेषक कहने लगे हैं, एशिया सेंचुरी एंड इंडियाज डिकेड, अर्थात नई सदी एशिया की और वर्तमान दशक भारत का। गौर करें कि धनी बनने की चाह व धन कमाने बुराई है वाले विरोधाभास से मुक्ति का यह सुफल है। सदियों बाद हमने माना है कि ज्ञान को पूंजी बनाकर धन संपदा कमाना बुराई नहीं है। यह भारत की नैतिक मूल्यों के साथ पारदर्शी व्यापार व्यवहार किया जा सकता है। यह कि साधारण परिवारों के शिक्षित युवा भी न्यू जनरेशन हाईटेड उद्योग स्थापित कर सकते हैं, या कि सोची समझी जोखिम उठाए तो उपलब्धि में अथाह संपदा कमाई जा सकती है। यानी कि रिलायंस के धीरूभाई अंबानी, इंफोसिस के NR नारायण मूर्ति, भारती ग्रुप के सुनील भारती मित्तल, डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरीज के अर्जी रेड्डी, सत्यम कंप्यूटर के बी रामालिंगा राजू, एशियन पेंट्स के ऐशिवन दानी, भास्कर समूह के रमेश चंद्र अग्रवाल, अपोलो हॉस्पिटल के प्रताप सिंह रेड्डी, इंडोरामा के OP लोहिया, IPL के राजेश हुक्कू या स्टाइलाइट के अनिल अग्रवाल जैसे वाणिज्यिक रणनीतिकार और रिस्क ट्रेडर्स कोई अजूबा या उपवाद नहीं है। वे भी हम जैसे साधारण शख्स हैं। उनमें अलग कुछ है तो लक्ष्य के प्रति जज्बा, जोश, जुनून और जीत का विश्वास। संक्षेप में कहे तो इस पुस्तक के नायक विरोधाभासों से पहले मुक्त हुए हैं और अब हम सबको यह संदेश दे रहे हैं, अमीरी मानव अधिकार है, पर कोई आपको इसे तश्तरी में पेश नहीं करेगा। इसके लिए स्वयं मोर्चे पर आगे खड़े होकर अपनी टीम का नेतृत्व संभालना पड़ेगा, यानी जोखिम उठाना पड़ेगा। ये सब एक ही बात कहते हैं, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, इन्हें भी कमाना पड़ता है। गरीबों में जीती है तो दोषी आप स्वयं हैं। मित्रों, इन दूरदेशी महानायकों का यह संदेश इस पुस्तक के जरिए मैं सही परिपेक्ष्य में आप तक पहुंचा पाया या नहीं, यानी यह पुस्तक कैसी बनी, ये सवाल मेरे लिए गौण है। इस लेखन का प्रसव पीड़ा के समय मैं अपने इस पसंदीदा पात्रों के वास्तविक जीवन प्रसंगों या समर्पणों के साथ जिया हूँ।
उन्हें शब्दों में दोहराते समय अकेले में कभी भावुक हुआ हूँ तो कभी खुलकर हंसा हूँ। एकांत के स्वांतम सुखाए वाले ये पल मेरी स्मृति का स्थायी कोष है। मेरी सफलता तब है जब आप भी ऐसा एहसास करें। मुझे यह कबूल करने में कोई हिचक नहीं है कि यह पूरी तरह स्वकल्पित लेखन नहीं है। देश की बहुपठित वाणिज्यिक पत्र पत्रिकाओं में बिखरे साक्षात्कारों एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी को मैंने अपनी भाषा शैली में दोहराया है। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है कि मैंने महान कार्य किया है या शाश्वत साहित्य रचा है। सच तो यह है कि मेरी ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि कच्ची उम्र में मुझे स्वयं श्री ब्रजलाल जी बियानी भाई जी विदर्भ महाराष्ट्र के पूर्व वरिष्ठ राजनेता साहित्यकार व स्वयं जीडी बिल्डा के समधी का सानिध्य मिला। 60 के दशक में मैंने संपन्न जीवन व बिरला घराने को नज़दीक से देखा। मेरे किशोर मनमानस में तब एक सोच जन्मा था कि नौकरी पेशा व्यक्ति अंत में खाली हाथ घर लौटता है, पर साधारण भारतीयों की तरह मैंने भी विरोधाभासी जीवन ही जिया। 25 साल मैंने भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी की। आर्थिक सुरक्षा से इस मजबूत संबल को 90 के दशक में छोड़ने की कोशिश की, यानी बैंक की नौकरी छोड़कर लेखन पठन को जीवन आधार बनाना चाहा, तो मित्र परिजनों ने खूब रोका टोका व कोसा। पत्नी सुनीता बियानी व पुत्री दिव्य अंशु व अंचल मेरी भागीदारी बनी। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। बैंक से बिना लाभ वाली सेवानिवृत्ति लेकर और वहां से मिलने वाले वेतन से 1/4 प्राप्ति के साथ मैंने दैनिक भास्कर को ज्वाइन किया। बैंकर के पृष्ठभूमि देखकर भास्कर ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्री सुधीर अग्रवाल व वरिष्ठ संपादक श्री श्रवण गर्ग ने मुझे कॉरपोरेट लेखन का दायित्व सौंपा। इस दायित्व को निभाते हुए मुझे देश के कॉरपोरेट वर्ल्ड को नए सिरे से समझने का मौका मिला। विगत एक दशक में जब भी इस गहरे सागर में मैंने एकांतमन डुबकी लगाई, तब मेरे हाथ लगी एक कभी यह सिर्फ खाली निकली तो कभी इसमें से निकला एक चमचमाता मोती। इन मोतियों से गुथी या माला आज आपके हाथ में देखकर मैं कितना हर्ष विभोर हूँ इसे शब्दों में दोहरा नहीं पाऊँगा। मैं इस बात से भी बहुत खुश हूँ कि मेरी मातृभाषा हिंदी में यह पहली पुस्तक है जिसमें देश के कॉरपोरेट जगत के चुनिंदा चमकीले चेहरे बिना मेकअप व मेकअप के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। यदि अपने प्रयास में मैं असफल रहा हूँ तो दोषी केवल मैं हूँ, और यदि आप इसे सराहते हैं तो इसका श्रेय मेरे अन्य जिन शुभेच्छाओं को है, वे हैं श्री अशोक पाटनी, श्री अनिल धूपर, श्री प्रमोद फरकिया व कन्हैया लाल फरकिया, श्री अशोक गुप्ता, डॉक्टर भरत अग्रवाल, श्री रविंद्र शाह, श्री निशीत शरण, डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव, श्री विजय शंकर मेहता, श्री रविंद्र मोहनोत, श्री रवि बिंग व श्री अशोक कुमट व नगीन बिरकिया। इस पुस्तक के लेखन में असमय व देर रात तक मेरे साथ जुटने वाली श्री महेंद्र साकल्ले के साथ ही मेरे दोनों दामाद पुत्र श्री मनीष भाटी व श्री कमलेश माहेश्वरी को भूलना भूल होगा। राजकमल प्रकाशन के श्री अशोक महेश्वरी का साहस भी सराहनीय है, जिन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड पर केंद्रित इस पुस्तक को हिंदी में प्रकाशित करने को जोखिम उठाया। इस उम्मीद के साथ कि पुस्तक अच्छी लगे या बुरी, दोनों स्थिति में आप मुझे एक पत्र लिखना ना भूलेंगे। प्रकाश बियानी।